Unites.com, redefining Bollywood. खास बात जो है वो है तिग्वांशु धूलिया की राइटिंग और डायरेक्शन और इस फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों की परफॉर्मेंस। पिछले कुछ सालों से बेटा बताया जाता है जब इंटरव्यू करते हैं तो फोन बंद कर देते हैं, कोई बात ऐसा होता है, फेंक दे जल्दी फेंक दे। फिल्म बुलेट राजा की जो एक सबसे ख़ास चीज़ है वो है तिग्मांशु धूलिया की राइटिंग और डायरेक्शन, फिल्म में काम करने वाले कलाकारों की परफॉर्मेंस। सैफ अली, सोनाक्षी, गुलशन ग्रोवर, जिमी शेरगिल, सभी कलाकारों ने बहुत ही बढ़िया चैलेंज, कोई बात आ जा मेरा नहीं, दो नहीं, तीन, ठहर जा इनकी माँ की बात, बहुत सारी खासियत है। मेरे हिसाब से खासियत है डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया की राइटिंग डायरेक्शन, फिल्म में काम करने वाले कलाकारों की एक्टिंग अभिनय। पिछले काफ़ी समय से हम देखते हैं कि सैफ अली जो है वो पॉलिश्ड भूमिका में, लवर की भूमिका में, स्टाइलिश कपड़ों में बहुत जचते हैं, बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन इस फिल्म में सैफ अली जो है वो रफ एजेस, कांटे निकले हुए उनके शरीर से, वैसी पर्सनैलिटी, वैसी परफॉर्मेंस, एक छोटे शहर की का रहने वाला, कई लोगों ने ओमकारा देखी थी, ओमकारा अलग तरह का परफॉर्मेंस था, वो बिल्कुल ही उजड किस्म की परफॉर्मेंस थी, ये उसका एक अलग प्रकार का वेरिएशन। फिल्म में सोनाक्षी की परफॉर्मेंस, जिमी की, दूसरे सभी कलाकार और मैं फिल्म का खलनायक, मेरी परफॉर्मेंस के बारे में, खुद की परफॉर्मेंस के बारे में मैं खुद कुछ नहीं कह सकता, हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरह से डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया ने इस खलनायक को जिसे मैंने अभिनय किया है उसे पेश किया है वो इंटरेस्टिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड।